शराब दिया रे। किले में कुछ तो है। इस रोड से दिल्ली है 275, मनोहरपुर 62 और भानगढ़ 29। भरतपुर से 149 किलोमीटर भानगढ़ पड़ता है। तो पुल से उतर के आपको वापस नीचे की तरफ जाना है। भानगढ़ इधर, दौसा इधर और धर्मपुरा सीधा। और इस रोड पर थोड़ा सा ध्यान से चलानी पड़ेगी बाइक, क्योंकि छोटे मोटे गड्ढे हैं इस पे। बरगद के पेड़ हैं, काफ़ी पुराने पेड़ हैं ये, जो आपको एहसास कराते हैं कि हाँ आप भानगढ़ जा रहे हैं। जिला अलवर, अलवर 93, राजगढ़ 53, टहला 30। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों के बीच में भानगढ़ है। ये है टहला। यहाँ से लेफ्ट टर्न दे रहे हैं हम। भानगढ़ सामने दिख गया है मुझको। यहाँ पर शायद एंट्री है और ये भीड़ इकट्ठी हो गई यहाँ पे देखने के लिए। कौतूहल बन गई हमारी बाइक और लोग वहाँ खुश, हमारी लाड़ो खुश और हम भी खुश। और ये सामने भानगढ़ का गेट, 10-10 रुपए यहाँ एंट्री। एक्चुअली हम भानगढ़ के किले में प्रवेश कर चुके हैं, टिकट हमने ले ली है, अब अंदर जाएंगे। ड्रोन उड़ाना है यहाँ अलाउ नहीं है। चलिए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो आंटी आगे जा रही है, मैं कह रहा आंटी जी यहाँ से तो कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर चल के जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे किले में चढ़ाई है। साहिल कह रहा वहाँ कुछ नहीं है, यही है चढ़ाई, देखते हैं कौन सही है। लंगूरों के बीच में भयंकर लड़ाई हो रही है यहाँ। वैसे एक्चुअली क्या है, ये मैंने जो सुना पहले, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये बाज़ार हुआ करता था, ये देखो अब आपको पता चलेगा, आगे मैं दिखा देता हूँ। बाज़ार है, और आई होप कि विंड ब्लास्ट बहुत है, आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी। और अभी हम मार्केट में ही निकल रहे हैं, आगे चल के गेट आएगा। ये भानगढ़ महल में हम एंट्री करते हुए, तीन गेट हैं, तीनों को जाली से बंद कर रखा है, बस एक छोटा सा गेट खोल रखा है। अब ये देखो यहाँ से एंट्रेंस गेट है, इससे भानगढ़ का नज़ारा इस तरीके का है कुछ। लोग बाग इंजॉय कर रहे हैं, हालांकि मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है, लेकिन कोई नहीं, एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को बढ़िया तरीके से करेंगे। और अब जो फोर्ट का मेन गेट है वो आ रहा है और यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल में किला जो है, और वो दिखाऊंगा मैं आपको। वैसे ज़्यादातर तो टूटा फूटा है, कुछ पार्ट है जो अभी भी थोड़ा सा सेव है यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे लिख रहा है देख लो आप, महल पैलेस, और ये पैलेस का गेट, यहाँ से हम स्टार्टिंग महल। और ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, एंशिएंट साइट ऑफ भानगढ़, तो ये पॉज करके आप पढ़ लेना। हाय। और ये लोग जाते हुए भानगढ़ के किले को देखने के लिए, और किले पर चढ़ते हुए, बिल्कुल किले पर चढ़ते हुए, क्या बात है। तो एक्चुअली अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है, ज़्यादा नहीं है,
नॉर्मल चढ़ाई है, ऐसा आप परेशान ना होना कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और अब चढ़ाई करते हैं स्टार्ट। एक वैसे देखा जाए तो अभी एक गुफा सी तो यहीं पे है, अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, गंदगी भरी पड़ी है। चढ़ाई ज़्यादा नहीं ठीक है, पर हाँ मज़ा आएगा चढ़ने में। देख लो जी चढ़ाई, और साहिल हमारा ब्लॉगिंग करता हुआ। हाँ, इसके चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी ब्लॉगिंग चल रही है, कोशिश पूरी है कुछ आप लोगों को दिखाने की। देखो एक ये वो गुफा, एक ये गुफा है, एक गुफा ये है, पता नहीं अंदर कुछ है या नहीं है, लेकिन एक रास्ता ये भी है, आगे पता नहीं कहाँ जा रहा है, हम नहीं जाएंगे इसको, बस सिर्फ आपको दिखा दिया है। भगवान करे बारिश हो जाए, भाई साहब भी खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाए। अच्छा मौसम, धूप पड़ गई है, सुबह घर से चले थे जब बड़ा सुहावना था मौसम, अब हमारी मौसम ने ले रखी है ढंग से। ये सारा पीछे का एरिया है किले का, बहुत ही खूबसूरत, अभी तक सेफ है। और ये शायद जालियाँ इन्होंने बाद में लगाई होंगी, क्योंकि ये कुछ गिर नहीं जाए थोड़ा सा उस तरीके से। भैया बता रहे हैं महल बंद कर दिया है इस एरिया में से। शाम के टाइम पे जब बंद कर देते हैं तो ये सारे गेट्स वगैरह लॉक कर देते हैं, ये वाले भी। हाँ अच्छा, हाँ। और यहाँ आपको अंदर पता है ऐसा फील आएगा, ब्लड की स्मेल आएगी। अच्छा, हाँ डरा रहा है मुझे? डरा नहीं रहा हूँ मैं एक्चुअली नहीं, हो सकता है, बता रहा आप जैसे भी लोग कहते हैं उस हिसाब से। ये जो गेट लगे हुए हैं ऊपर जो आप देख रहे हो, ये गेट शाम को बंद कर दिए जाते हैं ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ से यहाँ पर रात को ब्लड की कोई स्मेल वगैरह भी आती बताई। काफ़ी रास्ते हैं इसमें अंदर घुसने के, और खंडर है अभी फ़िलहाल महल अभी तक, और ऊपर चल के देखते हैं। ऊपर अब चढ़ाई और ज़्यादा है और गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। कुछ लोग तो ऊपर तक जा रहे हैं, कुछ लोग रास्ते में से लौट के आ रहे हैं, और सब अपने अपने तरीके से महल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया नज़ारा, बढ़िया, थोड़ा सा मौसम बढ़िया हो जाता तो और मज़े आते। और अब देखो ये सीढ़ियाँ हैं जो अंदर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ से खूबसूरती देखने लायक है। अब मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, ऊपर जाके दिखाऊंगा कि खूबसूरती कैसी है। और पिछली वीडियो में यहीं पर एक मुझे छोटा सा बच्चा मिला था, वो कह रहा था इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं होता है, और वो थोड़ा सा एक फनी पॉइंट था। साहिल की दम फूल रही है, स्मेल स्मेल बहुत ज़्यादा है, स्मेल वास्तव में बहुत ज़्यादा है। चढ़ाई ऐसी कोई खास नहीं है। ये देखो अब यहाँ पे आ गए हैं, तो हम आ चुके हैं इस महल के, भानगढ़ का जो किला है इसके टॉप पर, और यहाँ से व्यू बहुत ही शानदार है। यहाँ से आपको इसकी पूरी बाउंड्री जो है, इस किले की दीवार है जो, वो सारी दिखेंगी। कुछ खंडर है, कुछ बना हुआ है, दुनिया भर की इसके पीछे कहानियाँ हैं, और वो कहानियाँ आप गूगल कर लेना तो उस पर भी आपको पता चल जाएंगी। लेकिन जो सुनने में आया है वो पहले भी बताया था मैंने पिछली वीडियो में, उसकी लिंक भी डाल दूंगा। उसमें तो वास्तव में बहुत थोड़ा सा हमारे संग भी कुछ ड्रामा हो गया था, वो आप देख लेना। अब बात में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि साहिल तो कह रहा है ड्रोन उड़ा दो, मैं कह रहा हूँ सोच ले, ये कह रहा है उड़ा दो, गाइड फाइड यहाँ कोई नहीं है, उड़ा दो और उतार लेना, कौन देख रहा है यहाँ, पता भी नहीं लगेगा, पता भी आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, कुछ फिर भी आप अगर मत सोचना, सपोर्ट करना कि आपके लिए हम पहले हम बंदे होंगे जो आपको ड्रोन से भानगढ़ का फोर्ट दिखाने वाले। आज तक जितनी वीडियो देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम यहाँ से कोशिश करते हैं भानगढ़ का फोर्ट ड्रोन से दिखाने।
आई होप कि आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। पहली बार भानगढ़ किले पर किसी ने ड्रोन उड़ाया है तो वो आपके भाई ने उड़ाया है, पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए हों तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बड़ी मेहनत लगी है इसको उड़ाने में। तो चलिए फिर अब यहाँ से निकलते हैं। एक छोटू मिला हमको, बहुत बढ़िया, ये कह रहा है कुछ ना कुछ है, ये सब लोग कह रहे हैं कुछ ना कुछ है। इन सभी से लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सपोर्टिंग नेचर के हैं और दौसा के हैं, एक्चुअली पास के हैं और ये भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, माताएं बहनें हैं यहाँ पर। और आपको पास्तव में अच्छा लगा ये फोर्ट? अच्छी जगह है, आना चाहिए, सब आ रहे हैं, लोकल लोग आ रहे हैं तो बाहर से तो आना ही चाहिए, चाहे यहाँ कुछ है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति बहुत सुंदर है, देखने लायक चीज़। सबसे बड़ी बात यह है थोड़ी सी गर्मी हो गई है, बरसात हो जाए तो मज़ा और भी आ जाए। चलिए फिर नीचे चलते हैं और कुछ देखते हैं। सभी भाई लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बेल आइकन जरूर दबाना, इसकी तो मान ही लो। चलो फिर नीचे चलते हैं। हम इस गुफा में जा रहे थे और ये दूर से बड़ी शानदार लग रही, लेकिन ये जो भाई साहब बैठे ना इन्होंने डरा दिया, इससे मत चला जाना। हम नहीं जाएंगे, हम भाइयों की बात मानेंगे। देखो ऐसे ही इस तरीके से एक यहाँ पे ये जगह सही है, ये जगह सही है। और इस तहखाने के अंदर ऊपर दीवारों में देखोगे तो चमकार भरी पड़ी है। ये भैया कह रहे थे चमगादड़ों को उड़ा दूं क्या? ना भैया ऐसा जुलम मत करो, चमगादड़ों को मत उड़ाओ, नहीं तो दिक्कत होगी। तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, एक्चुअली बात ये है हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए हम नहीं उड़ा रहे हैं। चलिए तो अब नीचे चलते हैं, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। तो आज के ब्लॉग में, आज की राइड में, आज की विजिट में और आज के दिन मेरे संग हुए दो कांड। पहला कांड तो हो गया मानपुर पर, जो निशानी दे गया है ये देख रहे हो आप, छाला हो गया तो हो गया, क्या करें। और दूसरा कांड ये पैर का जो जूता है ना, ये गया फट। तो भाई कोई बात नहीं है, पार्ट ऑफ जर्नी। अच्छा अब इस किले के बारे में तो क्या बताऊँ, मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाली हुई है और आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख लेना, भानगढ़ का रहस्य। थोड़ा सा ब्रीफ में तो नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। इस किले में एक महारानी रहा करती थी, काफ़ी सुंदर थी, एक साधु का उस पर दिल आ गया ये कह सकते हैं। तो वो जो इत्र बाज़ार से मंगाया करती थी, उस इत्र को उसने मंत्र से भेज दिया रानी के पास। रानी ने वो जो इत्र की बोतल थी उसको पहचान लिया कि ये मंत्र से पड़ी हुई है। उसने उसे पत्थर पर दे मारा, पत्थर सीधा गया तांत्रिक के पास और तांत्रिक को कुचल दिया। तो ये फिर तांत्रिक मरते मरते कुछ यहाँ पर शराब दे गया, जिससे ये महल जो है तहस नहस हो गया था। और बाकी आप गूगल कर लेना। सो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत है। और हम घर से ही निकले थे ना जब मौसम बहुत औसम था, लेकिन गर्मी बढ़ गई है, धूप बढ़ गई है। और अच्छी बात यह है कि लोगों में इतना उत्साह है यहाँ पे कि लोग यहाँ पर भी विज़िट करने आते हैं किले को। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये सारा किला है, और यहीं पर कभी हिस्ट्री हुआ करती थी जो आज खंडर में तब्दील हो गई है। ये देखो ये काफ़ी पुराना बरगद का पेड़ है, ये भी अपनी एक कहानी बयां करता है। और सारा चारों तरफ से ग्रीनिश है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साहिल के चैनल की लिंक मैं डाल दूंगा, उसमें जाके उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भरतपुर में, पहली बार कोई इतनी मेहनत करके आपको वीडियो दिखा रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी दिखा रहा है जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, कभी आप आए भी नहीं हैं, सुनाई सुनाए। तो कहना चाहूँगा इस किले में कुछ तो है। और आज काफ़ी लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर रात को जब आप जो इनके अंदर जगह है ना काफ़ी गहरी, वहाँ पर ब्लड की खुशबू भी आती है। और एक जगह तो हम ऐसे घुस गए, वहाँ जब अंदर घुसे तो सामने तो कुछ नहीं दिख रहा था, अच्छी खासी जगह थी, लेकिन जब ऊपर देखा तो दुनिया भर की चमगादड़ उल्टी लटक रही थी। मैं तो भाग गया, साहिल फंस गया, साहिल बोला छोड़ के भाग गए। मैं डर गया, तो मैं कि डर पहले भागता है, तो मैं भाग गया, तू आ जा। हालाँकि उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि हम नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते, अगर डिस्टर्ब करते तो हो सकता है वो चिपक जाती, खा जाती। कोरोना वैसे फैल रहा है और वो भी पता चला चमगादड़ों से फैल रहा है, तो ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, नेक्स्ट ब्लॉग को यहीं से दोबारा बाहर से स्टार्ट करेंगे। तो निकलते हैं और सीधा मिलते हैं हम बाइक पे, क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लग रही है, कुछ प्यास भी लग रही है, और ये छाला मुझे दुखी कर रहा है, इसने दुखी कर लिया, क्योंकि अब मैं जेब में जब भी हाथ डालूंगा ना तो ये फूट जाएगा, वो सबसे बड़ी मेरे लिए समस्या की बात है। और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, भाई बंधु,
इनका प्यार आज हमको मिला है और ये बहुत अच्छे लड़के हैं। तो छोटू एक बार फिर बता दे तू कुछ है यहाँ पे? हाँ, ये पीछे पड़ा हुआ है मेरे के, कुछ है क्या है यहाँ? मैंने तो देखा नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि है। देखा किसी ने नहीं, बोलते सब है, लेकिन हाँ वास्तव में कुछ है, ऐसे ही कोई तहस नहस नहीं हुआ है, हिस्ट्री इसके पीछे है, गूगल कर लेना आपको मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, काफी मेहनत लगी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ये भी बोल रहा है। अब तो चीजें वैसे तो यहाँ, लेकिन हम पहली बार आए, लेकिन ऐसा नजारा कभी नहीं देखा क्योंकि इतना ग्रीनिश है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, एरिया बहुत शानदार है। और ये बच्चे भी कह रहे हैं सब्सक्राइब करके जाना और प्यार बना के रखना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।